तो काफ़ी यू नो टाइम बाद मैंने मेट्रो में ट्रेवल करा, अप्रॉक्स 1.5 ईयर। सो मैंने देखा कि यार इस बार यू नो न्यू टिकट्स मेट्रो में इशू होती हैं, जो ऑन डेली बेसिस या वन टाइम पे यूज़ करते हैं, पेपर टिकट जिसमें QR कोड है, आप इसको स्कैन करो देन यू कैन ईज़ली यू नो एंटर एंड टेक द ट्रेन। बट ये कितना ज़्यादा यू नो फ्रूटफुल है और कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट सेफली है, सो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये पेपर टिकट हैं, एक बार यूज़ करा दैन पेपर इसको फेंक देते हैं। और मेट्रो स्टेशन में मैंने देखा कल यू नो काफ़ी ज़्यादा पेपर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि लोग प्रॉपर डस्टबिन नहीं फेंकते। अगर आप डस्टबिन में भी फेंक रहे हो दैन अगेन काफ़ी ज़्यादा यू नो ये पेपर की वेस्टेज है इसके अंदर। एक तरफ हम बोलते हैं प्रिंट ज़्यादा मत करो यू नो, और अपना ट्रीज़ मत काटो क्योंकि पेपर की वेस्ट, पेपर ज़्यादा यूज़ मत करो ताकि ट्रीज़ ज़्यादा कटेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, फलाना वलाना जो बोलते रहते हैं। बट क्या ये जो स्टेप लिया है दिल्ली मेट्रो ने, क्या ये कितना ज़्यादा सही है या कितने ज़्यादा इसके अंदर कुछ सोच के तो उन्होंने ये सब चीज़ें यू नो स्टेप लिए होंगे? तो बट एज़ पर माई ओपिनियन पेपर टिकट शुड नॉट बी यूज्ड, ओके, क्योंकि इससे पेपर की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। मोर देन लैक्स यू नो आपके ट्रेवल करते हैं लोग मेट्रो पे, जिसके कारण इतने 1 लाख यू नो अगर पेपर वेस्ट हो रहा है, सोचो इतने ज़्यादा पेपर्स में बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। सो या तो हमें यू नो कंपल्सरी आपके कार्ड ही यूज़ होने चाहिए या फिर मोबाइल पे स्कैनर्स हों। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हर कोई मोबाइल ऐसा यूज़ कर रहा है जिसके अंदर स्कैनर यूज़ हो सकते हैं। जनरली आज के टाइम में भी कई लोग नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्कैनर जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो आई थिंक जो पहले टोकन यूज़ होते थे वही मेट्रो नो दिल्ली मेट्रो को रिवर्ट करना चाहिए उसके ऊपर, ताकि पेपर की वेस्टेज कम से कम हो या ना हो। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन।